एज इसकी इतनी ही होनी चाहिए, अराउंड 18 to 19 टीन एज का स्टूडेंट लग रहा है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक निकल के आ रही है इसकी। What's up guys, this is Zaid Qureshi, welcome to my YouTube channel. Guys, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से मोस्ट हैंडसम करेक्टर क्रिएट कर सकते हो Hogwarts Legacy में। उसके लिए आपने यहाँ से टॉप पे चले जाना है और 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर वाला आपको जो करेक्टर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एंड देन गाइज जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है यहाँ से हमने करेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ से आपने इसके फेस की शेप को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं ये वाली इसकी फेस की शेप को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ग्लासेस अब आप पे डिपेंड करता है, आपको पसंद है आप इसको पहनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ग्लासेस की ज़रूरत नहीं। वैसे इसकी आईज़ काफ़ी प्यारी हैं तो भाई हम ग्लासेस के बगैर ही जाने वाले हैं। नेक्स्ट में हमने चले जाना है, फेस शेप को चेक कर लिया, अब हमने यहाँ पर आना है इसके हेयर कलर और हेयर स्टाइल की जानिब। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन हेयर स्टाइल लगा है मुझे, जो लगा है और डेफिनेटली आपको भी लगेगा, ये है जी, ये सबसे अच्छा सोफिस्टिकेटेड किस्म का इसका हेयर स्टाइल है। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर ले, और अब कलर का आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको डार्क कलर करना चाहते हैं या लाइट रखना चाहते हैं। तो यार मैं इसका ये डार्क और हल्का सा ब्राउनिश टच यहाँ से निकल के आ रहा है इसको सिलेक्ट करूँगा। एंड देन हम यहाँ से जाएँगे नेक्स्ट पे, और कम्प्लेक्शन को अगर देखा जाए तो कम्प्लेक्शन भाई ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं, अभी भी कम्प्लेक्शन नहीं, यहाँ पर इसको फुल कम्प्लेक्शन को हमने पीछे कर देना है, कम कर देना है, और यहाँ पर मोल्स, फ्रैकल्स, झुरियाँ और ये मोल्स जो होते हैं इसको भी ख़त्म कर देना है, क्योंकि भाई खूबसूरती इसी चीज़ में है, कुछ लोगों को सूट करती है कुछ को नहीं। यहाँ से स्कार भाई कोई भी नहीं रखना, हम अपने मेन करेक्टर को, पर्सनैलिटी करेक्टर को दागदार नहीं कर सकते तो स्कार नहीं रखना। आइज़, अब आईज़ का ये है भाई, हमने आई का जो कलर रखना है वो होने वाला है भाई ब्लू, ब्लू कलर कर लिया है यहाँ से सिलेक्ट। आईब्रोज़ की शेप कौन सी सही रहेगी, तो यहाँ से जी ये वाली शेप जो है परफेक्ट है, ज़बरदस्त लग रही है, इसको कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, तो यहाँ से हमें इसकी वॉइस टोन, इसकी वॉइस की टोन कौन सी रखनी है, तो मैं यहाँ से ये वाली रखने जा रहा हूँ, ये परफेक्ट है, अगर ज़्यादा पीछे कर देते हैं तो फिर काम ख़राब है। यहाँ पर रखनी है हमने सेकंड नंबर के ऊपर इसकी वॉइस की पिच, और सिलेक्ट योर डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी नॉर्मली हम डेफिनेटली प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नेम इसे दे सकते हो, तो यहाँ पर मैं अपना नाम ही सेट करने जा रहा हूँ, करेक्टर का नेम भी रख दिया। अब हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गेम के अंदर ये किस तरह का दिखाई देता है। गेम स्टार्ट हो गई है, यार देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लुक निकल के आ रही है, एज भी कम ही लग रही है, वो स्कूल बॉय है तो एज इसकी इतनी ही होनी चाहिए, अराउंड 18 to 19 टीन एज का स्टूडेंट लग रहा है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक निकल के आ रही है इसकी। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप भी इस तरह से सेम ऐसा ही हैंडसम खूबसूरत करेक्टर क्रिएट कर सकते हो Hogwarts Legacy में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलूंगा आपसे इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this.